Thank you so much, Mr. Ranjan, and you've always been very positive and you want to bring out the best from the industry. So we always take all your suggestions very seriously and to the heart. I'm sure that everyone is eagerly waiting to hear from our Honorable Minister. And again, I'm glad that the waiting time is over, and I now invite our chief guest to address the gathering. Mr. K.T. Ramarao. Thank you, Kathy. Honorable President of FTCCI, Sri Ramakant Ainaniji, Bhaskar Reddy Garu, to my Principal Secretary Jayashanjanji, to Mr. Agarwal, and to the Chairman of the Jury today, Sri Ravindra Modi Ji. Modi Sahab, aapka bhai ka naam Narendra Modi hai kya? चलो कम से कम एक मोदी तो हमारे फैन है. आपने कहा कि आप हमें पसंद करते हैं, कम से कम वो तो हमारे लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. थैंक यू. टू डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग हियर, ख्याति एंड बोथ मिस्टर आइनानी केप सेइंग दिस माय मेडन विजिट हियर. एक्चुअली इट्स नॉट, ये मेरी पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, बट एक चार पांच साल पहले यहीं पे इसी ऑडिटोरियम में आपसे मुलाकात हुई थी बहुत सारे लोगों के साथ. उस दरमियान शायद दो हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की मीटिंग थी, तो तब हुई थी मुलाकात. बट बाद में आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं, सिंपल बात. आप हमें याद कीजिए तो हम भी आपको याद करेंगे, सिंपल सी बात है. माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना आई वुड अर्ज यू टू, बिफोर वी टॉक ऑफ फ्यूचर, let's also look back. Let's also think about what the situation was exactly 7 years ago. 7 saal pehle ek aisa halat tha, ek aisa mahol tha jahan pe Hyderabad ke aur baki raj ke bhi investor aur industrialist jo log yahan pe invest kiye the, aapko bijli ki itni sakht problem thi ki aap Indira Park ke paas hartal pe baithe. Shayad aapko yaad hoga United Andhra Pradesh mein 2-2 din power holiday hota tha. एक हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे होता था, और अच्छा 3 दिन. आजकल लोग यूरोप में इधर उधर बात करते हैं 5 दिन की हफ्ते की, तब तो आपको मजबूरन लेना पड़ता था 5 डे वीक या चार डे वीक आपको मजबूरी में लेना पड़ता था. एंड नॉट ओनली डिड द इंडस्ट्री सफर एज अ रिजल्ट, बट इवन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लैक्स ऑफ देम, जिनकी रोजी रोटी अब उनकी काम से मिलती है, उनको भी बहुत सारा तकलीफ होता था. That was the situation back in United Andhra Pradesh. And in fact, when the state was formed, there were a lot of doubts. Ki kya hoga Hyderabad mein? Kya halat hoga? Kya 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 yahan pe industry kaise chalegi? Investors ki dekhbhal kaise hoga? Aur yahan pe jo Hyderabad hai, itni badi cosmopolitan city hai. Abhi Ramakant ji mujhse keh rahe the ki hamari family aur forefathers jo hain, Rajasthan se yahan pe aaye. और पहले जुक्कल आए, जुक्कल से आप कह रहे थे कि बैलगाड़ी से है कि मैं आई वॉज रियली सरप्राइज व्हेन ही टोल्ड मी दैट. सो द फैक्ट इज अ सिटी लाइक हैदराबाद, एन एक्सट्रीमली कॉस्मोपॉलिटन सिटी विच हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, यू नो रियली फॉर द एस्पिरेशन टू बी अ ग्लोबल सिटी, ऐसी जगह अगर एक रीजनल या रिलीजियस या कोई और विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ काम होगा या यहां बर्ताव होगा, तो बहुत नुकसान होने की एक संभावना थी. मैं बात कर रहा हूं 7 साल पहले की. पर अगर आज आप देखते हैं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है बाहर, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लिविंग पे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग पे हो, चाहे वो इनोवेशन पे हो, कोई भी मेट्रिक, स्किल पे हो, एम्प्लॉयमेंट पे हो, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में अगर कोई 3-4 राज्यों का नाम लिया जाता है पॉजिटिवली प्रोग्रेसिव स्टेट्स में, तो इसमें मैं आज फखर के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना उनमें टॉप 3 में या टॉप 2 में आता है. और किसी को ये सोचना, किसी को ये बात अगर ड्रीम भी करना होता 7 साल पहले, तो बहुत मुश्किल बात थी कि ऐसा भी हो सकता है. पर आज ये अगर पॉसिबल हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक लीडर की वजह से हुआ, और वो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री KCR जी.
क्योंकि मुझे याद है, मुझे याद है एक टाइम ऐसा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जब हमारे पास आते थे, मुझे याद है हमारी इलेक्शन हुई थी अप्रैल में 2014 में और इनॉग्रेशन हुई थी June 2nd, 2014. उन 20-15 दिन जो गैप था रिजल्ट आने के बाद, शायद इसमें से चंद लोग को याद होगा, हमने एक मीटिंग किया था काचीगुड़ा में, हमारे भाई वहां से हाथ उठा रहे हैं, तो उस कुछ लोग मिले थे उस दिन स्टील इंडस्ट्री से, ऑयल इंडस्ट्री से, महेश्वरी समाज के और बाकी दूसरे समाज के भी लोग थे. तो उन्होंने बस एक ही चीज मांगा उस दिन कि भाई आप कुछ भी करो, बिजली दो, बस बिजली दे दो, हम काम हमारा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रखो, यहाँ पे पीसफुल रहने दो माहौल, और आप बिजली दे दो, बस इतना ही आपसे मांगे और कुछ नहीं. और आज आप एक बार याद कीजिए, फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारी गवर्नमेंट की अगर कोई प्रायोरिटी थी तो फर्स्ट 6 मंथ का यही प्रायोरिटी था कि एक तो बिजली का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दें और दूसरी बात थी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मजबूत करने की और बरकरार रखने की, जो भी अमन थी उसको बरकरार रखने की. और मैं आज अगेन, द रीजन व्हाई आई से दिस विद अ लॉट ऑफ प्राइड इज बिकॉज अ सिटी लाइक हैदराबाद कैन नॉट अफोर्ड एंड कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ विंडिक्टिव एटीट्यूड स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो टुडे व्हेन मर्सर नॉट ओनली वंस, रमाकांत जी आपने कहा 2019 में 5 ईयर्स इन अ रो, 2015 से लेकर 20 तक 5 ईयर्स इन अ रो मर्सर इज रेटेड एज हैदराबाद इज अ सिटी विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग अमंग ऑल इंडियन सिटीज. वो ऐसे ही नहीं होता है. आज आप देखिए बेसिक जो प्रॉब्लम है तेलंगाना के नागरिक के लिए, तेलंगाना के सिटीजन के लिए, उनका देखभाल किया गया, पावर इज नॉट एन इश्यू एनी मोर इन हैदराबाद. आज जब हम देखते हैं कि चेन्नई में और कई और राज्यों में और कई और शहरों में पानी रेलवे टैंकर के साथ लाना पड़ता है, हैदराबाद ने अपना प्लानिंग कर लिया 2050 तक, 2050 तक हमने प्लान कर लिया और वी हैव टेकन केयर ऑफ 95% ऑफ द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ड्रिंकिंग वाटर. एंड ऑन द अदर हैंड इन द रूरल एरियाज अगर आज आप देखते हैं, इससे पहले वाइल तेलंगाना रीजन वॉज इन द बेसिन ऑफ रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा, इरीगेशन के लिए पानी ज्यादा मिलता नहीं था यहाँ पे, क्योंकि लिफ्ट इरीगेशन चाहिए था, पैसा लगाना था और यहाँ इतने सारे बैरन लैंड्स थे कि बहुत एक पाइप ड्रीम था वो कि यहाँ पे पानी आएगा और खेती बाड़ी होगा. आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तेलंगाना टुडे हैज बिकम द ग्रैनरी ऑफ इंडिया. आज पैडी अगर देखते हैं प्रोडक्शन, आप सबसे ज्यादा पैडी प्रोडक्शन आज पंजाब में नहीं होता है, आंध्रा में नहीं होता है, तेलंगाना से आता है. आज तेलंगाना का जो सोना मसूर राइस है आज पूरा हिंदुस्तान में जाता है और कुवैत में, मिडिल ईस्ट में, यूएस और यूके चल रहा है. ये पिछली 5 साल की प्रोग्रेस की बात है. सो वंस यू सॉर्टेड आउट दिस बेसिक इश्यूज, पानी, बिजली और फूड ग्रेन्स, एवरीथिंग एल्स ऑफ कोर्स विल फॉल इन प्लेस. लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन एक्सट्रीमली एफिशिएंट. आज हैदराबाद हो या बाकी राज हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या है ही नहीं और वेलफेयर इतना किया जा रहा है. आप एक बार देखिए आज जितने वेलफेयर प्रोग्राम तेलंगाना में हैं और जितना खर्च आज गवर्नमेंट करती है वेलफेयर स्कीम्स पे, शायद ही ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे इतनी बड़ी पैमाने पे प्रोग्राम चलते हैं. स्कूल्स हो, स्कूलिंग सिस्टम हो, गुरुकुल स्कूल्स हो या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, सारे ही मेट्रिक्स पे आज तेलंगाना इनफैक्ट इज रेटेड एज वन अमंग द बेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री. वन ऑफ द थिंग्स आई कैन कोट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वुमेन इन द audience also, the infant mortality and maternal mortality rates have come down big way after Telangana state has come in. Now this is again focusing on basics, this is again getting the basics right, basic priorities of a government right. Haan, kaam abhi hai, baki hai, kaam karna hai, hum log sincerely kaam kar rahe hain aur umeed hai ki karte rahenge. Though one thing that I would like to point out, especially with respect to industrialization, our Honorable Chief Minister, back in 2014, had conducted a marathon meeting with the entire industrial associations, including FTCCI. I think it was called FAPSI then. आपके साथ भी मीटिंग हुई थी, उनकी 7 घंटे की एक मीटिंग चली थी जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, सबका फीडबैक उन्होंने लिया, एक होटल में किया गया था और TSI पास करके एक प्रोग्राम लाया उन्होंने. आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई राज नहीं है जहां पे आपको इतनी अच्छी सुविधा है, जहां पे ये बताया जाता है कि एवरी सिंगल एप्लीकेशन दैट वी गेट
We will clear in 15 days under this industrial project self-approval, self-certification and approval process. अगर 15 दिन में हम हाँ नहीं कहते हैं तो 16वां दिन ऑटोमेटिक हाँ है. 16th day it's a deemed approval. No other state in India will tell you this. Secondly, if you have a piece of land anywhere in Telangana, you can start construction on day one, be it in a village or a municipality, without seeking any clearance from the government. Now this is called a self-certification. Simultaneously, you need to apply so that we need to know, क्योंकि government को ये जानकारी होना चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं राज्य में. This again, no other state in India will tell you. और जयेश रंजन जो है हमारे 1992 बैच के IAS टॉपर है पूरे हिंदुस्तान में. आज अगर जयेश रंजन भी अगर गलती करते हैं और 15 दिन में अप्रूवल नहीं देते हैं, उनको भी फाइन लगता है 1,000 रुपये का. अभी तक तो लगा नहीं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जयेश इतने एफिशिएंट है. हमने 13,826 अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल TS IPASS के जरिए हमने अप्रूवल दिया है. 2,04,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आज तक पिछले 6 साल में मिला है. 14 लाख से ज्यादा, 14.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रॉफिट और बेनिफिट हुआ है तेलंगाना की यंगस्टर्स को. इस सारे जो हैं मेट्रिक्स जो हैं ऐसे ही नहीं आते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं. इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं आते हैं. कोई अगर कोई अमेजोन आ रहा है, कोई एप्पल आ रहा है, गूगल आ रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं चल के आते हैं. पूरा मतलब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन राज क्या प्रोवाइड करता है और कहाँ पे स्टेबिलिटी कैसा है. आज अगर तेलंगाना अट्रैक्ट कर रही है इंडस्ट्रीज, वो इसलिए क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं एक्सट्रीमली एफिशिएंट हैं, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैं और उनकी जो ध्यान है बेसिक्स पे है, बेसिक्स को करेक्ट करने में उनकी ध्यान है. मैं जानता हूँ देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. आई नो दैट देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स देने हैं. इनफैक्ट पिछले मार्च में जब हमने बजट इंट्रोड्यूस किया था, वी हैड एलोकेटेड 1500 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स. अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर दैट वी वर ऑल लॉकडाउन, पैंडेमिक, ऑल ऑफ दिस इज हिट एंड स्टेट फाइनेंसेस, सेंट्रल फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज गॉन हेवायर. अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डिलीवर ऑन द इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स लास्ट ईयर, बट आई एश्योर यू द अपकमिंग ईयर इन द नेक्स्ट बजट वी विल सर्टनली एंश्योर दैट ऑल ऑफ योर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स आर क्लियर्ड एंड आई विल टेक इट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. रमाकांत जी, आपने एक बात कहा कि जो आत्मनिर्भर पैकेज थी इट इज बीन इनएफेक्टिव और उससे ज्यादा फायदा नहीं मिला. पता नहीं इसमें अगर किसी को मिला या ना मिला, मुझे तो नहीं पता. बात हुई थी 20 लाख करोड़ पैकेज की. अब इसमें से 20 लोग ऐसे हैं, पता नहीं मुझे इस रूम में, जिसको जिनको फायदा मिला. मैं तो किसी को मिला नहीं आज तक जिनको 20 लाख करोड़ पैकेज से कोई फायदा मिला. बातें किए गए बट हुआ नहीं कुछ. मैं उम्मीद करता हूं कि जो बजट केंद्र सरकार रखेगी 1 फरवरी को, हम उम्मीद कर रहे हैं, ना सिर्फ मैं पर्सनली बल्कि पूरा हिंदुस्तान में जितने भी उद्योगपति हैं सारे ही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छा स्टिमुलस पैकेज मिले जिससे फिर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आए और फिर हिंदुस्तान की GDP जो स्लिप करते आई पिछले 8-10 क्वार्टर से 12 क्वार्टर से इनफैक्ट, फिर एक बार रिवाइव हो और जल्द से जल्द फिर से बाउंस बैक करें. हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी लिखते जा रहे हैं उनको, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं. बट एक बात की दुख होती है, हर जो रैंकिंग दिया जाता है उसमें तेलंगाना को अव्वल दर्जे पे बिठाया जाता है क्योंकि बाय मेरिट रैंकिंग होती है. बट जब बात होती है कुछ एलोकेशन देने की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करने की या एक हाई स्पीड रेल देने की या डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर बनाने की, फिर हम रह जाते हैं देखते देखते और कहीं और जाता है वो. वो इसलिए क्योंकि नंबर्स जो है, आज हिंदुस्तान में नंबर्स की गेम ज्यादा चलती है. 80 सीट अगर आपके पास हैं तो आप राज करेंगे. अब अनफॉर्चुनेटली वी ओनली हैव 17, तो आज हमें देखना पड़ रहा है. अगर बुलेट रेल आती है तो DMIC के बीच में दौड़ती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सीधा पहुंचती है अहमदाबाद. मोदी साहब आपके भाई को बोल दीजिए. एक हमारे तरफ भी आए, यहाँ बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, काफी सारे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, प्रोग्रेसिव टाउन्स हैं, प्रोग्रेसिव सिटीज हैं. और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जब आती है तो यहाँ साउथ की तरफ आती ही नहीं, रुक जाती है बॉम्बे में. मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर एक देश को प्रॉस्पर करना है, जो मोदी साहब बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस बात पर अगर
विश्वास हो, विश्वास तब होगा जब बातें काम के रूप में बदल जाएंगे, तो ट्रांसलेट होगा रियलिटी में। मेरी उम्मीद यही है कि आगे आने वाली जो बजट है इसमें तेलंगाना जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम डिमांड करते आ रहे हैं हैदराबाद और नागपुर के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और रामगुंडम के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और बैंगलोर के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, और हैदराबाद और वारंगल के बीच में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दीज हैव बीन सपोर्टेड सो फार, ऑल लिप सर्विस। और बहुत बार बहुत प्रेस किया जाता है, जो भी मिनिस्टर आते हैं सेंट्रल से बहुत प्रेस करते हैं तेलंगाना ने खूब ये किया खूब वो किया, लिप सर्विस से क्या मिलता है? मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पैसे अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? मेरी रिक्वेस्ट थ्रू दिस थ्रू आर मीडिया फ्रेंड्स टू मिस्टर पीयूष गोयल टू मिसेस निर्मला सीतारामन इज दैट दे शुड ऑल्सो सपोर्ट एंड एनकरेज प्रोग्रेसिव स्टेट्स विच हैव बीन डोमिनेटिंग यू नो इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्किंग पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ पायनियरिंग इनिशिएटिव्स लाइक मिशन भागीरथ, इन टर्म्स ऑफ completing projects on a breakneck speed, you know, world's largest multi-stage lift irrigation project, Kaleshwaram. It's the world's largest multi-stage lift irrigation project, and our Honorable Chief Minister has completed it in 3 years. Have we ever seen in independent India's history a project being completed at such a speed? Aaj Hindustan ki tareek mein, koi Chief Minister ne, koi Raj Sarkar ne kaam karke dikhaya, itni jaldi, itni tezi se, koi project khatam hua kabhi? ऐसी परफॉर्मिंग राज्य को, ऐसी प्रोग्रेसिव स्टेट को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य जब मजबूत होंगे, स्टेट जब मजबूत होंगे, वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रॉन्गर स्टेट्स विल लीड टू स्ट्रॉन्गर कंट्री। डेफिनेटली वी नीड टू सपोर्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक तेलंगाना। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एक्चुअली पॉजिटिवली सपोर्ट अस, बिकॉज वी बीन डूइंग एंड प्लानिंग थिंग्स एट स्केल। हमने अगर हैदराबाद फार्मा सिटी की बात की तो हमने ना सिर्फ तेलंगाना राज्य की बेनिफिट के, तेलंगाना राज्य के हित में सोचा, बल्कि हिंदुस्तान के हित में सोचा, क्योंकि आज हैदराबाद जो है बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कैपिटल है हिंदुस्तान का। इस पोजीशन को अगर और कंसोलिडेट करते हैं तो फायदा केवल तेलंगाना को नहीं मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान को मिलेगा। आज हैदराबाद है पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का वैक्सीन कैपिटल। आज हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बात कर रहे हैं वैक्सीन, क्योंकि हमने लिया नहीं। पर इस वैक्सीन कैपिटल में देखिए, आप छोटे छोटे चीज होते हैं, वैक्सीन तो सारा यहां बनता है, 5 बिलियन से ज्यादा डोज यहां बनता है, पूरे दुनिया में जितने वैक्सीन बनता है उसमें 1/3 यहां बनता है, पूरा दुनिया को आज हम सप्लाई कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन टेस्टिंग लैब यहां नहीं होता, वो कसौली जाना पड़ता है हिमाचल प्रदेश, 1200 किलोमीटर दूर, ये कहां की रीत है? तो ऐसे छोटे छोटे चीज जो मैटर करते हैं एक इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, इन पे ध्यान देना चाहिए, बातों से काम नहीं चलता, इन पे ध्यान देना चाहिए, इनको और बढ़ावा देना चाहिए। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा अभी, आज पूरा दुनिया बात कर रहा है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग मूव करेगा और बाकी देशों में जाएगा। अगर हिंदुस्तान को फोकस करके एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनना है, वी हैव टू थिंक ऑन स्केल। आज हम लोग फार्मा सिटी की जब बात करते हैं, वो 19,000 एकड़ में बनेगा, वो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर होगा, तभी हम जाके चाइना से कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, स्केल से वो फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुंचेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। आज अगर हम टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं, तो वारंगल में पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क हमने लॉन्च किया, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सपोर्ट ईदर द फार्मा सिटी और द टेक्सटाइल पार्क। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमारे तीन हैं, तीनों के तीनों भरे हुए हैं। हम लिखते हैं उनको, कहते हैं और दीजिए, कोई जवाब नहीं मिलता। हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन का दर्जा दिया गया था यूपीए सरकार ने 2013 में, एनडीए आने के बाद उसको हटा दिया या रहा वो कुछ नहीं पता, उसके बाद में कोई जवाब नहीं उनके तरफ से, जितनी बार भी हमने मांगा। ये सब अगर नहीं मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से अगर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली जो जिस तेजी से हम दौड़ना चाहते हैं नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम हिंदुस्तान के एक अहम हिस्सा हैं और रहना चाहते हैं और तेजी से भागना चाहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स व्हाई यू विल सी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी हैव बीन ग्रोइंग बोथ इन आईटी इंडस्ट्री, वी हैव बीन ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड। एंड आई अश्योर यू अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव गारू,
we will continue to grow. We will continue to reform. We will continue to create new benchmarks for the rest of the country to follow in all sectors. And Jayesh was just telling me yesterday when Niti Aayog's vice chairman was here, Honorable Chief Minister instructed Jayesh Ranjan to think of new ideas and to think of better schemes to promote more and more industrialization in the state of Telangana. So we will also be coming out with more. Not, हम बस दूसरों को क्रिटिसाइज करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. हम अपना भी काम डेफिनेटली और जोर से करेंगे. एंड वील कम आउट विद बेटर मॉडल्स ऑफ इंसेंटिव्स. वील कम आउट विद बेटर आइडियाज. सोच रहे हैं हम कि और क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग और इंडस्ट्री तेलंगाना को अट्रैक्ट कर सकते हैं. मैं आपसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा. आज जब मैं कहीं जाके कहता हूं, कोई कॉलेज जाके या कहीं और जाके युवाओं को एड्रेस करता हूं, कहता हूं कि तेलंगाना में 13,826 यूनिट्स को हमने परमिशन दिया जिससे 14 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगी, तो बहुत बार ये पूछा जाता है मुझसे कि इसमें से लोकल एम्प्लॉयमेंट आप कितना दे रहे हो. मैं सारे उद्योगपति जो बैठे हैं यहाँ पे FTCCI के लीडरशिप में, मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हायर एज मेनी लोकल्स एज पॉसिबल, बिकॉज वी आर ऑल्सो इंसेंटिवाइजिंग. In fact, if you go for local employment, if you hire more than 80% locals, we are giving you additional incentives. In fact, दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक legislation बना दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे राज्य में एक यूनिट खोलना चाहते हो तो 75% आपको local reservation होगा jobs में. हमने regressive policy नहीं लिया, हमने ऐसा सोचा नहीं, negative policy हमने नहीं लिया. हमने कहा कि जो incentive आपको मिलने हैं मिलेंगे, पर अगर आप locals को employ करते हो तो एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा और आपको और भी तेजी से भागने का मौका मिलेगा. तो मैं आप सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वर्क विद आवर टीम द टास्क तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज, जो आपको गाइड करेंगी, जो आपको अगर आप जो रिक्वायर्ड स्किल सेट आप अगर हमें दे देंगे तो वी विल ट्रेन द यंगस्टर्स एट आवर कॉस्ट. आवर जॉब इज टू प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट. सो माई रिक्वेस्ट, प्लीज कंसिडर दैट. सेकेंड रिक्वेस्ट आई ऑल्सो हैव फॉर यू, we are exploring many, many potential collaborative opportunities with industries who are looking towards India, especially, you know, large manufacturing sector. We are in fact compiling a blue book so that we can validate your businesses, validate certain industries, and offer you collaborative joint venture opportunities with multinational companies. So I request FTCCI to work with the industries department, or aap वैलिडेट करके ऐसा एक लिस्ट बनाइए, एक डायरेक्टरी बनाइए, जिससे अगर कोई जापानीज इन्वेस्टर या कोरियन इन्वेस्टर आना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको हम एक रेडीमेड बुक दे देंगे और कहेंगे भाई इस सेक्टर में, हर एक सेक्टर में हमारे इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो. अगर आप ये FTCCI और गवर्नमेंट जॉइंटली वैलिडेट करेगा तो उसका जरूर एक अच्छा फायदा सबको मिलेगा. और मैं आज जिन्होंने भी यहाँ पे एक्सेलेंस अवार्ड जीते हैं in 19 different categories, I congratulate you all. And like Jayesh said, I think our goal, our ambition, our strive for excellence cannot be contained to one state. We have to continue to push the envelope. We have to continue to strive for excellence. And I hope that you win many, many more national awards and bring accolades to our wonderful state of Telangana. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Sir, Honorable Minister, first of all, a big thank you for considering, assuring us the more budget, and your assurances have given a music to our industry fraternity, and clearing all dues in coming months. Truly, it's cosmopolitan and global city, and we could see from the kind of investments are attracted into our state. No other state in the country is getting this kind of investments. And absolutely power security, all these things are we keep discussing with all our industry, and these are the two things which made our state as a very progressive state. And sir, we are doing our bit from FTCCI